जैसे विजयदशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता महादेव को, अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर रखना, शमी का पत्र है, एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है। तुरंत वरतंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, वरतंतु मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? वरतंतु कहते हैं, बाबा शरदीय नवरात्र पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शमी पत्र की मूलता, वरतंतु ने एक शमी पत्र से जीवन का एक आनंद बता दिया। आप भी प्रयास करो, विजयदशमी के दिन एक शमी पत्र बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करें। भगवान शंकर को शमी पत्र, बेलपत्र सुख देने वाले। एक बात बहुत अच्छे से अपने अंदर उतार कर रखिएगा, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है, उस बीच में कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपये कमाते हैं, सवाया खर्च होता है घर में, जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी जिंदगी में आती, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। वैसे तो कार्तिक महीने में जो 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज की भूमि में, कोसी कला में जो शिव महापुराण की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें हम वर्णन करेंगे ही, गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा में, फिर भी कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना, अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो, कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और
मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है, देव अधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है, भगवान सदानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस सदानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने सदानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ, तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने सदानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में, उन्होंने वर प्रदान कर दिया। सदानंद कार्तिकेय धूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ, आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, सदानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रखना है उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, माँ जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव ब्रह्माणी, सदानंद कार्तिक।